राधे राधे, आप सभी को स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं जन्माष्टमी के अवसर पर बना रही हूँ गुलाब जामुन, तो उसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जन्माष्टमी पर जब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से मिठाई बनाते हैं तो उसकी बात अलग ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 400 ग्राम मावा ले लिया है, एक बाउल चीनी ले ली चाशनी बनाने के लिए, थोड़ी सी मैदा ली है, थोड़ी सी लिए चिरौंजी, थोड़े से इलायची के दाने, ये येलो फूड कलर है, और ये थोड़ा सा मैंने छेना लिया है, और ये लिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो मैंने अपना सभी सामान देखिए निकाल लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी क्वांटिटी के हिसाब से किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक भगोने में एक बाउल चीनी डाल ली है और उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया है। तो पानी कम डालने से हमारी चाशनी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और ये इसमें डाल दिए मैंने इलायची के बीज कुटे हुए, आपके पास अगर इलायची पाउडर था आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इसे चीनी का हम निखारी करने के लिए इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के इसकी निखारी कर देंगे। अब ये देखिए चीनी उबाला गया, तो हल्का सा मैंने इसमें कच्चा दूध डाल दिया है। इससे क्या होगा, इसमें जो चीनी में गंदगी होती है वो सारी झाग के साथ ऊपर आ जाएगी और उसे हम ऊपर से उतार देंगे तो हमारी चाशनी बिल्कुल एकदम अच्छे कलर की हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से चीनी में जो भी गंदगी है वो चाशनी के ऊपर आ जाएगी। दूध ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टपके दूध डालना है, बहुत हल्का सा। अब देखिए चाशनी हमारी अच्छी हो गई है, बिल्कुल एकदम इसमें कोई गंदगी नहीं है। अब हाथ से इसे चेक कर लेते हैं, जब चाशनी हमारी हल्की सी चिपचिपी और हल्की सी गाढ़ी महसूस हो तब बस उसे गैस को बंद कर देना है। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई, अब हम रसगुल्ले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने चिरौंजी ले ली और उसमें मैंने प्लेन मावा लिया है और उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप स्किप कीजिए, लेकिन ये खाली प्लेन मावा है और इसमें मैंने चिरौंजी मिक्स कर ली और इसमें थोड़े से इलायची के बीज डाल दिए। इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे रसगुल्लों के बीच में भरावन के लिए। तो अब हम अपने गुलाब जामुन बनाने के लिए एक मैंने ये परात ले ली है और इसमें मैंने अपना मावा निकाल लिया है। मावे में मैं अपनी मैदा मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने 400 ग्राम मावा लिया है, लगभग 450-450 ग्राम मावे में मैंने डाल ली है 3 छोटी चम्मच मैदा। और अब मैं इसमें छेना डाल दूँगी। ये देखिए छेना मैंने 1.5 ग्लास दूध का बनाया है और ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो उससे आपके रसगुल्ले सारे चिकनाई में ही बिखर जाएंगे, तो बेकिंग पाउडर आपको बहुत ही ध्यान से डालना है। बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, बस चम्मच की हल्की सी आगे चोंच पर थोड़ा सा रख के डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। जब आप अच्छे से इसे मिक्स करके इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो ये चिकनाई छोड़ने लगेगा। इस तरीके से हाथ से देखिए, जब आप इस तरीके से रसगुल्ले बनाएंगे तो ना ही तो उनमें बीच में गांठ पड़ेगी और ना ही ये फटेंगे और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट एकदम हलवाई जैसे रसगुल्ले हमारे तैयार होंगे। अब देखिए तो छोटी छोटी इस तरीके से लोई ले लेंगे और बीच में हल्का सा गड्ढा बना के उसमें ये भरावन डाल देंगे और इसे अच्छे से बंद करके दोनों हाथों की हेल्प से चिकना करते हुए इसकी बॉल्स बना लेंगे। देखिए हाथों पर कितनी चिकनाई आ गई है, और रसगुल्लों में आपके में हल्के से भी खुले हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिकने। इस तरीके से करते हुए आपको बॉल्स बना लेनी है। देखिए इस तरीके से ये देखिए, ये इसी तरीके से मैं आप सारे डो की बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए मेरी बॉल्स तैयार हैं। अब इन्हें तलने के लिए एक कढ़ाई ले लूँगी। उस कढ़ाई में आपके पास जो भी चिकनाई अवेलेबल है, डालडा, देसी घी या फिर रिफाइंड, जो आपको पसंद है वो चिकनाई चढ़ा लीजिए। लेकिन चिकनाई का ये ध्यान रखिए, चिकनाई आपकी कढ़ाई में इतनी होनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉल्स अच्छी तरह से जिसमें डूब जाएं और कढ़ाई में चिपके नहीं, तो जिस तरह से आपकी बॉल्स चिपक जाएंगी तो वो जल जाएंगी। देखिए इस तरीके से एक एक करके जितनी आपकी कढ़ाई में बॉल्स आ जाएँ उतनी बॉल्स डाल के इनको बराबर गोल घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। देखिए कढ़ाई का आपको ये ध्यान रखना है कि ना ही तो बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ना ही मतलब कम होनी चाहिए। अगर कम होगी तो आपकी बॉल्स नीचे चिपक जाएंगी, एक तरफ से जल जाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो सारी बॉल्स आपकी एकदम से उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है, इस तरीके से चलाते हुए जिससे अच्छे तरीके से सिक जाएँ। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकालेंगे और गर्मा गर्म चाशनी में इन्हें डुबो देंगे।
ये गरम गरम निकालती है आपको, गरम गरम चाशनी में डुबोने हैं तो इनमें अंदर तक अच्छे से आपकी चाशनी भर जाएगी और आपके गुलाब जामुन में ना ही तो गांठ पड़ेगी और ना ही ये फूटेंगे। देखिए इनमें चाशनी तो साथ के साथ भर जाएगी लेकिन खाने में टेस्ट इन्हें 3 से 4 घंटे बाद आता है, तो इसलिए 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें रेस्ट के लिए रख दीजिए। अभी देखिए मेरे सारे गुलाब जामुन बन गए हैं और ये मैंने अच्छे से डुबो दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गुलाब जामुन में बिल्कुल भी ना ही तो गांठ पड़ी है और ना ही ये बिखरे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये बनकर तैयार है हमारे गुलाब जामुन हमारे लड्डू गोपाल के लिए। अब ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम। थैंक यू सो मच गाइस, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और थैंक यू सो मच।